पोल लगाएंगे, पोल लगाएंगे, पहले पढ़ लो, उसके बाद दोनों के मिक्स पोल लगा दूंगा, ठीक है ना, मैथ्स और इंग्लिश के मिक्स पोल लगा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ ग्रामर पढ़ेंगे थोड़ी देर, ठीक है, हाँ पोल लगा देंगे, चिंता मत करो, मेरे को पता तुम पोल के बिना मानोगे नहीं। आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ रखे, इसमें पोल ही लगाता हूँ, बहुत पोल पोल कर रहे हो ना, वैसे मैं मन नहीं था पोल लगाने का, लो इसमें एक पोल ही लगाया मैंने आज, देखते कौन सही आंसर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, शी इज, लिखो भाई, अब तुम्हारा पोल निकालता हूँ, शी इज डैश इंटेलिजेंट, शी इज डैश इंटेलिजेंट, हाँ समझाएंगे, तुम बहुत पोल पोल कर रहे हो, पहले पोल ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ए आएगा, आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन द, अभी समझाऊंगा आराम से, और तुम पोल कह रहे हो तो एक पोल ले लो जरा। ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, यही होते हैं ना, चलो अब पोल लगाता हूँ, बताओ ए आएगा, एन आएगा, या फिर द आएगा। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, बाकी सबने कर दिया, जल्दी करो, सभी ने कर दिया, कुशाग्र, एक बच्चे का ठीक है, सभी का गलत है, तो इसका भी गलती से हाथ लग गया होगा, वरना आता इसे भी नहीं होगा पक्का सभी का गलत, सभी का, बेटे बहुत होशियार हो ना सब। 10 बच्चों ने तो बोला ए आएगा, 26 बच्चों ने बोला बी आएगा, है ना, अब देखो, और एक बच्चे ने तो दा बोल दिया, भाई वाह, और एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी पे या तो हाथ लग गया या सही बता दिया तुक्के में। बेटा आर्टिकल नाउन से पहले लगते हैं, इंटेलिजेंट कोई नाउन नहीं है, समझ में आई बात, बहुत बार पढ़ा होगा पर आज जो पढ़ोगे वो अलग ही पढ़ोगे, बात समझ में आई, कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे अगर तुम ए लगाते हो तब भी गलत, एन लगाते हो तब भी गलत, और दा लगाते हो तब भी गलत, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट ही रहेगा। सर हमें पढ़ाया ही नहीं है, सर इसमें तो डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन का मतलब खाली, कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, वही सही आंसर था, कुछ भी नहीं वाला। अब एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, पीडीएफ सबको शो हो रही होगी, ठीक है ना, पीडीएफ सबके सामने शो हो गई होगी। आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, हम ये चीज पता लगाते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, किसी जनरल चीज की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, मतलब जो चीज पता है उसकी बात हो रही है, या जो चीज नहीं पता उस चीज के बारे में बात चल रही है, ये हमें आर्टिकल बता देते हैं, समझते रहना बात, ध्यान से सुनते रहना। अब एक स्क्रीन आ गई होगी, ठीक है, और मैं ये ले लेता हूँ माउस, लिखा हुआ है टाइप्स टू, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट के अंदर क्या आता है ए और एन, और डेफिनेट के अंदर क्या आता है द। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शी इज अ डैश एक्सीलेंट, अब देखो कई लोग एक्सीलेंट को देखकर तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, मतलब नाउन से पहले आर्टिकल को लगाएंगे, नाउन नहीं था इसलिए हमने इसमें ना ए लगाया और ना ही एन लगाया, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आ गया अब लगा देंगे एन, बात क्लियर हो रही है, क्योंकि अब स्टूडेंट आ गया, नाउन आ गया, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, बता देते नाउन पढ़ा दिए हैं, तो जब नाउन आ गया तो अब मैं लगा दूंगा एन। पॉइंट नंबर सेकंड, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, जैसे शी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में वो मौजूद है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले, अगर मान लेते हैं कि एडजेक्टिव है और नाउन है तो एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल का यूज हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्सीलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, स्टूडेंट क्या है नाउन है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव से पहले ही। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, हमें स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि वो होशियार है, बहुत अच्छा है ना, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट तो एक नाउन है,
नाउन भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, तो इस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अगली बात समझते हैं। अगर सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो, एडवर्ब क्या होता है, सॉरी, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। अच्छा भी है, लेकिन अच्छा भी कितना, बहुत, वेरी, वेरी भी आ गया। देखो स्टूडेंट तो नाउन हो गया, एक्सीलेंट उसके विशेषता हो गई कि अच्छा है, और अच्छा भी कितना है, बहुत अच्छा है, वेरी आ गया, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे कि अच्छा भी कितना, बहुत, सुंदर भी कितना, बहुत, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो, नाउन भी हो, तो एडवर्ब से पहले फिर हम आर्टिकल का यूज करते हैं। बताओ स्लाइड नंबर 2 क्लियर है सभी को? बस यस और नो में बताओ क्लियर है या फिर नहीं, फिर आगे चलती है। यस सर, यस सर, यस सर। सारी बातें अपनी शॉर्ट नोट में लिखते रहो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ये वाली। बताओ आज से पहले पढ़ी थी आर्टिकल में चीज, स्कूल में पढ़ी है ऐसी चीजें? नो नो नो। हाँ चलो आगे देखो, इसकी क्वालिटी बढ़ती रहेगी, ध्यान रखना, टाइम के साथ साथ वीडियो की क्वालिटी भी, पढ़ाई की क्वालिटी भी सब बढ़ेगी। अगली स्लाइड देखते हैं, स्लाइड नंबर 3। अब देखो जरा इसमें क्या है। जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन की पहली साउंड क्या निकल रही है, हमें ये नहीं देखना कि ए आई ओ यू है, हमें क्या देखना कि साउंड आ रही है या फिर नहीं आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर ए आई ओ यू में से कुछ है, मतलब उसकी साउंड है, तो हम क्या करेंगे, तो एन का प्रयोग होगा। अगर वोवल की साउंड आ रही है तब तो हम एन का यूज करेंगे, लेकिन अगर ध्वनि व्यंजन, सॉरी यहाँ पे व्यंजन लिखा हो, तो व्यंजन का मतलब क्या हो गया, कैक है, गए, अगर ऐसी साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है, तो हम ए का यूज करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आस्था को कुछ कहना है, आस्था के अलावा सब म्यूट रहेंगे। बोलो आस्था। ये बोल रहे थे पीडीएफ कहाँ से निकलेंगी, कहाँ से निकलेंगी? सब कुछ क्लियर है? वो कह रहे पीडीएफ कहाँ से निकलेगी, स्टडी मटेरियल में जाओगे वहां पे पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही ऑन करते हो ना, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा, वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे देख लेना। अब आगे कहाँ तक पहुंच गए थे हम, कि साउंड, साउंड के हिसाब से हमें ए और एन लगाने हैं। साउंड अगर वोवल की आ रही है, ठीक है, तो एन लगा देंगे, और वोवल की नहीं आ रही, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो फिर ए लगा देंगे। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को देखो हिंदी में कैसे लिखा हुआ है, ए ए अनार से स्टार्ट कर रखा है ना, तो अम्ब्रेला, तो एन आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, कि हिंदी वर्णमाला के ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, अगर ये स्वर है तब तो हम लगाएंगे एन, वरना क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब अम्ब्रेला को ए से स्टार्ट किया गया लिखने में, अब यूनियन, ये भी यू आ रहा है, लेकिन हिंदी में यूनियन ये ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे ना, अगर मैं कहूँ हिंदी में यूनियन लिख के दिखाओ, तो तुम ये लिखोगे पहले, तो ये तो क्या हो गया, व्यंजन हो गया, और जब व्यंजन हो गया तो क्या आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, इस तरीके से साउंड पे डिपेंड करता है कि ए लगाए या फिर एन लगाए। क्लियर है बात? आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एब्रीविएशन में भी उच्चारण के अनुसार ही चले, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है ना, कि MLA PhD, अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है, भी हम क्या करेंगे, एन, उसके मतलब साउंड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे MLA को कैसे लिखेंगे, देखो पहले AMM, ए से स्टार्ट करेंगे तो एन आ जाएगा, NMLA, कि उच्चारण देखेंगे कि MLA से पहले भी एम ए से स्टार्ट हो रहा है। IAS, तो आई को हिंदी में ए से स्टार्ट करेंगे ना, तो जब आई से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो एन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब अगली स्लाइड पे आ जाओ। ये बात ध्यान रखनी है कि बस साउंड के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, बिना साउंड के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। बस 5-10 मिनट की बात रह गई, फिर क्लास खत्म है। आगे लिखा हुआ यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। सबसे आगे लिखा हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो जब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब जैसे पेन हो गया और एक पेंस हो गया,
पेंस तो प्लूरल हो गया और पेन हो गया सिंगुलर। जो सिंगुलर है वो काउंटेबल, मतलब जिसे हम गिन भी सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर भी हो गया और काउंटेबल भी हो गया, का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ जिसकी गिनती की जा सकती है। अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा। ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है, अगर नाउन का यूज नहीं होगा तो फिर आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, पेन को मैं गिन भी सकता हूँ, काउंटेबल भी है, ठीक है, और सिंगुलर भी है, पेन्स नहीं है, खाली पेन है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैज अ कार, कार एक एक कार की बात करें ना कि कार्स की, कार्स होता तब नहीं लगाते हम ए और एन, ठीक है ना। तो कार है, सिंगुलर भी है, गिन भी सकते, काउंटेबल भी है, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, नॉइस अनकाउंटेबल है लेकिन नॉइस के साथ फिर भी हम ए लगा देते हैं, ये बात अलग से नोट कर लेना। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत, अगर किसी के हमें कीमत वगैरह बतानी है कि पर केजी कितना है तो भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, की एक लीटर में 20 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पे भी ए एन का यूज कर सकते हैं। आई अर्न रुपीज 10, मैंने 10 रुपए कमाए, 10,000, मैंने 10,000 रुपीज कमाए अ मंथ, मतलब एक महीने में, तो यहाँ पे भी ए का यूज हो सकता है कि एक महीने में, एक लीटर में, इस तरीके से भी हम ए और एन का यूज कर लेते हैं। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1,000, 1,000,000, और कपल से पूर्व भी ए का यूज हम कर सकते हैं कि अ डजन पेंसिल, के एक दर्जन पेंसिल हमने खरीदी थी उसके द्वारा, ठीक है, तो डजन से पहले भी ए का यूज हो गया, तो डजन, 100, 1,000,000 इनसे पहले भी यूज हो जाता है। फिर आगे देखे हाफ से पूर्व ए का प्रयोग किस प्रकार, अगर कोई चीज आधी है तो उसको कैसे लिखते हैं, ये लिखा 2:1/4 मीटर, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 and a quarter meter, 2 तो है ही और 1/4 का क्या मतलब होता है, क्वार्टर, तो 2 and a quarter, 3.5 है ना किलो, तो क्या लिखेंगे, 3 and a half kilo, 3 and a half kilo, ये जो आधा अलग से है ना 1/2, तो इसको लिख दिया a half kilo। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, लास्ट रह गई और 2 मिनट के बाद ये क्लास खत्म। स्क्रीन बेटा सबके सामने आ रही है सर, ये वॉइस, अच्छा वॉइस फिर इको कर रही है, अब वॉइस बताओ अब ठीक है, पहले वॉइस का बताते रहो साथ साथ, बोल नहीं होगा, पहले वॉइस का बताओ, वॉइस क्लियर हो गई है, यस सर, सर क्लियर, यस सर क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं ना, ये वीडियो थोड़ी जरूरी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझने वाली चीजें ज्यादा है, तो इस वीडियो को एक बार दो बार दोबारा से देख लेना। लिखा हुआ है ए और एन का यूज कहाँ करते हैं वो तो सीख लिया, ए और एन का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए ये और समझ लो। किसी भी प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। सर हमारे भैया बोल रहे हैं आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा चलो देखो, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। देखो कहीं देखा है ए बॉयज हैव कम, कि बॉयज का मतलब तो बहुत सारे बॉयज हो गए, और उससे पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे क्योंकि बॉयज है ये, सिंगुलर नहीं है, तो प्लूरल के साथ हम ए और एन का डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसको सीधा कैसे लिखेंगे, बॉयज हैव कम, ये भी ठीक है, द बॉयज हैव कम, ये भी ठीक है। आगे देखो नंबर सेकेंड लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग सामान्यता, मतलब ज्यादातर नहीं करते हैं, जैसे एडवाइस से पहले हम ए एडवाइस या एन एडवाइस नहीं करेंगे, हम राय को गिनते नहीं कि मैंने उसे एक राय दी, दो राय दी, तीन राय दी, इस तरीके से जो भी अनकाउंटेबल चीजें होती है उससे पहले भी हम अधिकतर, ज्यादातर मतलब कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन तुम यही सोचो कि जो अनकाउंटेबल चीजें होती है, किसी को हमने सलाह दी, कोई अर्जेंट, अर्जेंट हम गिन नहीं पा रहे, हम लिखते हैं ना एन अर्जेंट, खाली अर्जेंट से पहले हम एन नहीं लगा सकते, फिर हमें उसके साथ लगाना पड़ता है एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, वो अभी आएगा, आगे आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम ज्यादातर ए और एन का यूज नहीं करते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, ठीक है, तो यहाँ से एन आ गया तो ये गलत हो गया, इस एन को रिमूव कर देंगे और हो जाएगा ही गेव मी एडवाइस। अदर एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल,
आई विल बाय आ फर्नीचर टू दे. मैंने तुम्हें बताया था फर्नीचर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, नाउन इसलिए पढ़ा देता, पहले आगे हेल्प होती है. तो नाउ फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, तो आई विल बाय फर्नीचर टू दे, ठीक है. खाली फर्नीचर रहेगा, ए या एन से पहले हट जाएगा, लास्ट चीज रह गई. हाँ अनकाउंटेबल. और फिर क्लास खत्म, थक गए तुम आज. आगे लिखा हुआ है आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो क्या लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके इसे काउंटेबल नाउन बना लिया जाता है. मतलब अनकाउंटेबल को पहले काउंटेबल में चेंज किया और उसके बाद उसे फिर हमने ए और एन उससे पहले लगा दिया. जैसे आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, खाली इंफॉर्मेशन नहीं रहने दिया, इंफॉर्मेशन को तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन इससे पहले क्या लगा दिया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अब ये बन गया काउंटेबल, और काउंटेबल बन गया तो हमने ए इसमें लगा सकते हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है बस बात सबको समझ में आ गई होगी. अब देखते हैं आगे, कल हमने पढ़ लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था. हाँ अब चलेगा यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. क्या लिखा हुआ है, द का प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है. तो हमें पता ही है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, जो निश्चित है, मतलब जिनके बारे में हमें पता है या जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, मतलब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि किस चीज के बारे में बात चल रही है, हमने द लगा दिया. ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर लिव्ड अ किंग, एक बार की बात है, एक राजा रहता था. अब उसी राजा के ऊपर बात चल रही है, आगे उसी राजा की कहानी है, तो हमें पता है कौन सा वाला राजा की बात चल रही है, तो इस बार हमने क्या लगा दिया, द किंग वॉज वेरी काइंड. अब यहाँ पे द आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया क्योंकि पहली बार ही हम किसी को बता रहे हैं कि एक बार एक राजा था, और उसी राजा की कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी राजा की, जो हमें पता है कौन सा राजा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, द लगा दिया. क्लियर हो गई, आगे चलते अगली स्लाइड पर. देखो द मैन इज वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, देखो द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, जो आदमी, जिस आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है वो मेरा भाई है, उसी के बारे में बता रहे, जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, पक्का बता ना कौन से आदमी ने पहन रखी है, तो इसलिए हमने द का यूज यहाँ पे कर दिया. द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इन बाई इज माई ब्रदर, जो लड़का दरवाजे के पास खड़ा है वो मेरा भाई है, उसी लड़के के बारे में बता रहे हैं, तो भी हम द का प्रयोग कर दिया कि जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही पता है उसके साथ हम द का यूज कर देते हैं. आगे देखते हैं प्रोपर नाउन, किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. राम वाज एन आइडियल सन, रोम इज एन एंशियंट सिटी. लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या है, अपवाद का मतलब क्या हो गया कि ये चीज हटके है, होता तो नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है, किस तरीके से होता है वो देखो. निम्न स्थिति में प्रोपर नाउन से पूर्व ए या फिर एन का प्रयोग किया जा सकता है. ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू. अब यहाँ पे ए का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे ए का मतलब है कोई. तुम मान लो तुम्हारे घर के बेल बजी, पापा ने कहा जा भाई देख कर कौन आया है, और तुम गए उससे पूछा भाई कौन हो, उसने कहा मेरा नाम मिस्टर शर्मा है, तो तुम अपने पापा को बताओगे पापा कोई मिस्टर शर्मा आया है, कोई. तो जब तुमने कहा इस तरीके से बोलोगे कि कोई मिस्टर शर्मा आया है, तो तुम बोलोगे अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, कि एक मिस्टर शर्मा आया है आपसे मिलने के लिए. ठीक है, बात समझ में आ गई. आगे चलो, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया, कुछ स्थान के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है, ये किया जाता है, द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स या फिर द हेग. सेकंड पॉइंट है, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. ध्यान रखना, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, पंजाब के साथ हो जाता है, द पंजाब. ये देखो आर्टिकल में कितनी सारी चीजें हैं, वैसे औरों के साथ नहीं होगा, और स्टेट के साथ नहीं होगा, और पंजाब के साथ लगा देंगे द पंजाब. फिर है, किसी भी देश का नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अमेरिका, रशिया, किसी भी देश के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम शब्द आते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है. ये चार वर्ड ध्यान रखना, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या फिर किंगडम, तो फिर हम द का प्रयोग कर लेते हैं. फिर
जैसे यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक, इस तरीके से हम कर लेते हैं। हाँ, द यूनाइटेड किंगडम। सर योर वीडियो इज नॉट विजिबल। वीडियो बताओ भाई सब एक बार, वीडियो सबको शो हो रही है? क्लियर क्लियर, वीडियो शो हो रही होगी ना स्क्रीन पे, क्या दिक्कत है? यस सर ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? पर्वत श्रृंखला के साथ दा का प्रयोग होता है, द हिमालयस, द एल्प्स। माउंटेन के साथ दा का यूज हो जाता है, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब तुम किसी पर्वत पे गए तब तो लगा रहे हो दा, अब तुम पर्वत पे चढ़ गए, उसकी किसी चोटी पे पहुंच गए, तो उसके साथ दा नहीं लगेगा। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट रहेगा, दा माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? पर्वत के नाम के साथ तो आ जाएगा, लेकिन जो पर्वत की चोटी है उसके साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी व्यक्त करने के लिए दा का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जब हम बता रहे कि हम इंडियन है या अंग्रेज है, तब तो दा लगा देंगे। दा इंग्लिश का मैन है, अंग्रेज, सारे अंग्रेजों के लिए दा इंग्लिश बोला है, स्पीक इंग्लिश। अब ये जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज है, कि जो अंग्रेज है वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले तो दा नहीं आएगा। अंग्रेजों के लिए दा वर्ड, दा हम आर्टिकल के रूप में लगा देते हैं। ऐसे ही द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब द फ्रेंच, यहाँ पे भी फ्रेंच क्या है, मतलब फ्रेंच के लोग, या फिर और यहाँ पे भी क्या है, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। अब द यूनाइटेड किंगडम, चलो फिर है। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी को बीमारी है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कुछ बीमारियां हैं उनके साथ हो जाएगा। यहाँ पे चार बीमारियां लिखी है, फ्लू हो गया, द फ्लू, द प्लेग, द मम्स। कुछ बीमारियों के साथ हो जाता है ये जो बीमारियां लिखी है, वरना अदरवाइज इनके अलावा कोई बीमारी होगी तो वहां पर द का यूज नहीं होगा। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें, साथ में कुछ उदाहरण बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। जैसे नदियों के नाम के साथ द लगाते हैं, द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, ठीक है। समुद्र के नाम के साथ भी लगाते हैं, द अरेबियन सी। महासागर के नाम के साथ भी लगाते हैं, द इंडियन ओशियन। द्वीप समूह के नाम, द्वीप समूह के साथ के लिए भी लगा देते हैं, द लक्षद्वीप। भौगोलिक पिंड मतलब आकाश में जो होते हैं उनके साथ भी हम लगा देते हैं, द सन, द वीनस। और झीलों के नाम के साथ, जितनी भी झीलें हैं उनके साथ भी हम, जितने भी लेक है उनके साथ भी द लगा देते हैं, द वाटर लेक, ठीक है। इस तरीके से हो गया। फिर आगे लिखा है, वस्तु यूनिक है, कोई चीज यूनिक है अपने आप में, तो उससे पहले द का यूज कर सकते हैं। जैसे दुनिया अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है, तो द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इस तरीके से द का यूज हो जाता है। लेकिन अब यूनिक तो हेवन भी है, हेल भी है, गॉड भी है ना, इनके साथ द का यूज नहीं करते। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगली स्लाइड देखेंगे। फिर आगे यहाँ पे एनवायरनमेंट एवं एटमॉस्फेयर के साथ द का प्रयोग किया जाता है। एटमॉस्फेयर से पहले भी द लगा देते हैं, एनवायरनमेंट से पहले भी दा लगा देते हैं। लेकिन जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, जब स्पेस हमने वर्ड लिखा है लेकिन उसका जो मतलब है वो अंतरिक्ष है, तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेस से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयोग हुआ है, स्पेस का मतलब जगह भी होता है, तो दा का प्रयोग होता है। अगर दा स्पेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब जगह से है, ना कि अंतरिक्ष से, इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आगे है दिशाओं के नाम, द ईस्ट, द वेस्ट, इनके साथ द का यूज हो जाता है। फिर है प्लेस के साथ अगर नाम जोड़ रखा है, देखो यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ रखा है तो द का प्रयोग नहीं होगा। वेस्ट तो ठीक था, लेकिन वेस्ट बंगाल, इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। खाली वेस्ट है तो द आ जाएगा, वेस्ट बंगाल है तो फिर द का यूज नहीं होगा। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द का यूज हो गया है। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, खाली नॉर्थ होता तो ठीक था, तब तो द नॉर्थ लगा देते, लेकिन नॉर्थ अमेरिका तो फिर इसलिए द का यूज नहीं हुआ है। आगे देखो, खाड़ी के नाम, द बे ऑफ बंगाल, इसमें द लग जाता है। रेगिस्तान के नाम के साथ भी द लग जाता है, और
और नहरों के नाम के साथ भी दा लग जाता है। द स्विस कैनल, अब देखो लास्ट, ये शायद इसके बाद एक पीडीएफ और है, अनम्यूट कर दो, अनम्यूट अभी करता हूँ। समाचार पत्र के नाम जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके साथ दा का यूज हो जाता है। पवित्र ग्रंथ के नाम के साथ द गीता, द बाइबल, इनके साथ दा का यूज हो जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण ऐसी जो स्थितियां होती है उससे पहले दा का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले उसके लेखक का नाम भी जुड़ा हुआ है। किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले उसके राइटर का नाम भी लिखा हुआ है तो दा का यूज नहीं होगा, और नहीं लिखा हुआ तो फिर दा का यूज हो जाएगा। ऐतिहासिक इमारतों के नाम, इतना सब कैसे याद आएगा, क्योंकि नहीं लगेगा कहीं नहीं था। हाँ बेटे यही तो है, अब याद तो रखना पड़ेगा। देखो ऐतिहासिक इमारतों के साथ द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनके साथ लग जाएगा। महत्वपूर्ण बिल्डिंग एवं मॉन्यूमेंट्स के साथ दो शब्दों से मिलकर बने हैं, तो एक शब्द किसी व्यक्ति का स्थान होता है, स्थान का नाम होता है, ऐसे नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, मान लो एक तो जगह का नाम है और कोई खास जगह का नाम, तो दिल्ली पूरा का पूरा हमारा यूटी हो गया और एक एयरपोर्ट, दोनों को एक साथ हमने ज्वाइन कर रखा है, इस टाइम पे दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना सब कैसे याद रहेगा, क्योंकि कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन तो आ रही होगी। इतना सब कैसे याद रखोगे, इतना सब याद रखोगे प्रैक्टिस से, जब टेस्ट लूंगा ना तब याद हो जाएगा सब कुछ। टेस्ट भी इसका जल्दी लूंगा, चिंता मत करो। नहीं आ रही स्क्रीन, आ रही है नहीं स्क्रीन का बताओ एक बार। यस यस सर स्क्रीन नहीं आ रही, यस यस यस, ज्यादातर बच्चों के तो शो हो रही है स्क्रीन, तो क्लियर है, आ रही है। हाँ ठीक है, नेट स्लो हो गया होगा तुम्हारा इसलिए वजह से नहीं आ रही। अब देखो आंदोलन के नाम के साथ भी द क्विट इंडियन मूवमेंट है ना, द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके पहले भी दा आ जाएगा। संगठन के नाम के साथ भी दा आ जाएगा। रेल हवाई मार्ग के नाम के साथ भी दा आ जाएगा, द जेट एयरवे, ठीक है, इस तरीके से द राजधानी एक्सप्रेस, कुछ भी। राजनीतिक पार्टी के नाम के साथ द बीजेपी, द कांग्रेस, ये भी हमारा आ जाएगा। अधिनियम के साथ भी द का यूज हो जाएगा, द इंडियन पेनल कोड, इस तरीके से। वाघ यंत्र मतलब जो बजाने वाले होते हैं, जो संगीत वाले होते हैं, उनके साथ भी द का यूज होता है, द फ्लूट, द वायलिन। धार्मिक समुदाय के नाम के साथ द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, इनके साथ भी द का यूज हो जाता है। व्यक्ति के पद से पूर्व द चेयरमैन, द डायरेक्टर, तब भी दा का यूज हो सकता है। ठीक है, अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो तो ए डायरेक्टर और एन ऑथर होगा, लेकिन अगर वैसे सिंपल बात की गई है तो दा आ जाता है। फिर आगे है किसी आविष्कार के नाम से पहले भी दा का यूज कर सकते हैं। किसी ने कुछ बनाया उससे पहले भी दा का यूज, द टेलीस्कोप हम यूज कर दें। समिति, क्लब, ट्रस्ट के नाम से पहले भी हम दा का यूज कर सकते हैं, द लॉयंस क्लब। ठीक है, आगे देखो इतनी सारी चीजें हो गई, क्या करोगे तुम, आज थक जाओगे बिल्कुल। अरे गढ़मुक्तेश्वर, चिपको आंदोलन, बैटरी ऑफ हो गई है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी तभी तो कर रहा हूँ मैं, टाइम बहुत हो गया आज, थोड़ा सा लेट हो गए, अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे हम। बस एक दो मिनट की बात रह गई, ये लास्ट है और कुछ नहीं है। तारीख के साथ द 10th of May, तारीख के साथ भी दा का यूज हो जाता है। सशस्त्र बल के साथ द आर्मी, द पुलिस, दा का यूज हो जाता है। ग्रहों के नाम के साथ द वीनस, द मार्स, इनके साथ भी दा का यूज हो जाता है। होटल के नाम के साथ द ताज होटल यूज कर सकते हैं। खेल की ट्रॉफी और कप के नाम के साथ द वर्ल्ड कप, इस तरीके से दा का यूज हो सकता है। युद्ध, क्रांति एवं सदी के नाम के साथ भी दा का यूज हो जाता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस तरीके से। नीचे दिए गए कुछ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। महीनों के नाम के साथ दा का यूज मत करना, द जून, द जुलाई, इस तरीके से मत कर देना। दिन के नाम के साथ द संडे, द मंडे का भी मत करना। सब्जेक्ट के नाम के साथ द मैथमेटिक्स, द फिजिक्स का भी मत कर देना, ठीक है। मार्ग, रास्ते के नाम के साथ द जीटी रोड, एमजी रोड, इस तरीके से मत करना।
मील के नाम के साथ द लंच द डिनर कभी मत करना, भाषा के नाम के साथ द हिंदी द इंग्लिश मत करना, ठीक है। हॉबीज के साथ द का यूज नहीं करेंगे, द सिंगिंग वगैरह इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे। खेल के नाम के साथ भी नहीं करेंगे, द हॉकी द क्रिकेट वगैरह भी यूज मत किया करो। नाउन यहाँ पे क्या लिखा है सर, 10th मई का बर्थडे, 10th मई का किसका बर्थडे सर, ओनली 22।